खूबसूरत त्वचा किसे नहीं पसंद। तरोताजा दिखने के लिए लोग कोई नुस्खा आजमाने से नहीं चूकते, कोई महंगे प्रोडक्ट्स का सहारा लेता है तो कोई ट्रीटमेंट करवाता है। पर बाहर से खूबसूरत दिखने के लिए सबसे अहम है स्वास्थ्य का सही होना और खान पान का ख्याल रखना। तो कैसे करें खाते खाते त्वचा की देखभाल, इस रिपोर्ट से जानिए। बढ़ती उम्र के साथ साथ त्वचा अपना निखार खोने लगती है। महिला हो या पुरुष, सभी को कोई ना कोई त्वचा संबंधी परेशानी घेर ही लेती है। ऐसे में खुद को आकर्षक बनाए रखने के लिए लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पर जो नहीं करते वो है सेहत का ख्याल रखना। त्वचा की ऊपरी सतह पर तो क्रीम की परत लगा लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि त्वचा को जरूरत है अंदरूनी देखभाल की और सही खान पान की। पर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही समय पर सही खान पान आपकी त्वचा के साथ साथ सेहत में भी चार चांद लगा देगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से फल हैं जिन्हें खाकर आप अपना खोया निखार फिर से पा सकते हैं। अब जब चेहरा लाल करने की बात है तो शुरू करते हैं उस फल से जो रंग में भी लाल ही है, स्ट्रॉबेरी। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी उल्फा हाइड्रोक्साइल एसिड से भरपूर होता है जो मृत कोशिकाओं से छुटकारा दिलाती है। स्ट्रॉबेरी से कोलेजन का उत्पादन बढ़ता है। ये विटामिन सी से भी परिपूर्ण होती है जिससे झुर्रियों में कटौती होती है। इतना ही नहीं, स्ट्रॉबेरी में ओमेगा 3 भी होता है जो आपकी त्वचा को टोन करता है। साथ ही एक चम्मच कॉफी पाउडर में स्ट्रॉबेरी का रस मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट लगाने से आपकी त्वचा में निखार आ जाएगा। अब बात करें दूसरे लाल फल की तो नाम आता है सेब का। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। इसका मतलब है कि प्रतिदिन एक सेब खाने से आप रोगों से बच सकते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। पर क्या आप ये जानते हैं कि सेब में भारी मात्रा में आयरन होता है जो खून को लाल रंग देने में सहायक होता है, जिसका सीधा असर आपकी रंगत पर पड़ता है। अगर नहीं जानते तो आज आपको बताते हैं सेब से होने वाले फायदों के बारे में। सेब त्वचा को अंदरूनी हाइड्रेट करके चेहरे पर निखार लाता है। इसमें विटामिन सी, B6, रिबोफ्लाविन, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम आदि भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसमें पाए जाने वाला पैक्टिन सेंसिटिव स्किन के लिए सहायक माना जाता है। इसमें मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है। सेब को स्किन टोनर भी कहा जाता है। नियमित एक सेब के सेवन से त्वचा में कसाव आता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। इसमें फ्रूट एसिड होने के कारण ये चेहरे की सफाई कर चेहरे को चमकाता है और इसमें पाए जाने वाले फ्री रेडिकल्स समय से पहले झुर्रियों को भी रोकते हैं। खूबसूरत त्वचा के लिए मॉइस्चराइजेशन भी बहुत जरूरी होता है और ये मिलता है पपीते से। जी हाँ, पपीता कई रोगों को मिटाने के लिए कारगर होता है, पर साथ ही पपीता विटामिन ए और प्रचुर मात्रा में एंजाइम से भरपूर होता है। ये रूखी स्किन को मॉइस्चराइज करके कोमल बनाता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, पोटेशियम, कॉपर और मैग्नीशियम से भरपूर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और डेड स्किन को हटाता है। पपीते को खाने के साथ साथ चेहरे पर भी लगाया जा सकता है। पपीते के बाद अब बारी आती है गर्मियों में सबसे ज्यादा दिखने वाले फल यानी कि संतरे की, जो न सिर्फ खाने में लाभकारी होता है बल्कि इसके छिलके में भी संतरे से ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है जो कि चेहरे के लिए अमृत माना जाता है। संतरे के छिलके में बैक्टीरिया से लड़ने वाले गुण मौजूद होते हैं, इसलिए इसे फेस पैक के तौर पर इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा को निखार सकते हैं। छिलकों में साइट्रिक एसिड होने के कारण ये चेहरे को गोरा करता है और बंद रोम छिद्रों को खोल देता है। संतरे के छिलके का मास चेहरे पर लचीलापन बढ़ाता है और झुर्रियों का असर कम कर देता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, बेहतर त्वचा के लिए मौसम के फल खाना हमेशा से ही फायदेमंद रहा है। तो अब देर किस बात की है, महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे भागना छोड़ो और किफायती सेहत से नाता जोड़ो। खूब फल खाएं और स्वस्थ सूरत के साथ साथ सेहत भी पाएं। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज़।